तो हेलो गाइस, क्या हाल है। तो आज हम वापस से खेलने वाले हैं FS23। तो इस गेम में हम आ चुके हैं, हमारा गेम भी चालू हो चुका है। तो गाइस, हमने जो अभी नया ट्रैक्टर परचेस किया है उसका नाम है जॉन डियर। तो गाइस, हमने जो जॉन डियर ट्रैक्टर परचेस किया वो हमारे सामने खड़ा हुआ, और हमने एक जो नई जो न्यू बखर है उसको हमने भी परचेस किया है एक, और एक और हमने एक न्यू वाली ट्रैक्टर परचेस किया जो अभी आया नहीं है शायद, जो हमारे शोरूम के पास ही खड़ा हुआ है, जो व्हीकल का शोरूम उस पर ही खड़ा हुआ है। बाकी हमने एक ये रोंग मशीन परचेस कर ली थी, इसका हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो इसे हमें वापस शोरूम वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हम जो हेडल लेकर आए थे वो लग नहीं रही थी इसमें, तो इस कारण से हमें इस मशीन को वापस करना पड़ेगा। बाकी हम खेत में हमारे ट्रैक्टर को लगा देते हैं सबसे पहले, तो चलते हैं। और बाकी हमारा न्यू वाला ट्रैक्टर है वो भी आ चुका, आपको सामने दिख ही चुका होगा, वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो फटाफट से पहले इसको खेत में हम लगा देते हैं हमारे खेत को डार्क करने के लिए, फिर इसमें हम गेहूँ बोने वाले जो हमारा न्यू वाला ट्रैक्टर लाए हैं उसको भी इसमें ही लगा देते हैं हम। तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली कर दिया है। बाकी हमारा न्यू वाला ट्रैक्टर जो आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अभी परचेस किया है इसको, और साथ में एक जो सीडर है उसमें जो बोने का है, हम इसमें इससे इस मशीन से गेहूँ वगैरह कुछ भी बो सकते हैं। तो हमारा जो ट्रैक्टर है इसको बराबर से लेके चलते हैं, और इसको भी इसके साथ ही लगा देते हैं, दोनों को एक साथ लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमारे दोनों ट्रैक्टर यहाँ पर चल चुके हैं। बाकी थोड़ा सा हमारा गेम है जो लेग की तरह हो रहा है, मतलब लेग ही हो रहा है, तो इसको बोने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन अभी भाई थोड़ा इसको थोड़ी देर और इसको चलने देते हैं खेत में, क्योंकि जो हमारी ये पीछे हम लाए हैं सीडर, ये थोड़ी बड़ी है, तो इसका जो एरिया है थोड़ा बड़ा लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये इसकी जो फोल्डिंग है ये खुलती है तो बहुत बड़ा एरिया में ये लगती है। तो अब इसको थोड़ी देर रखे रहते हैं। बाकी इस मशीन को यहाँ से हटाते हैं, जो हमारी न्यू हार्वेस्टर है इसको भी हमने अभी यहाँ पे रख दिया है, तो इसको यहाँ से सबसे पहले तो हटाते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रैक्टर चल रहा है अगर वो इधर आ गया तो इसके कारण ये रुक सकता है, तो हमारा जो टाइम है वेस्ट भी हो सकता है, उस बोने में देरी लग सकती है हमारे। तो इसको साइड में यहाँ पर लगा देते हैं हम। बाकी इसको मैंने कैमरा कर दिया तो दिख नहीं रहा साई आपको। बाकी हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा है, इसको भी हमने अभी आराम करने के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि ये थोड़ा आराम कर लेगा। तो हम दूसरा ट्रैक्टर भी लेकर आएँ, उसके साथ ये पीछे बखर देख रहे हो इसको भी लेकर आएँ। बाकी हम जो बखर वगैरह ये ख़राब हो चुके हैं, तो इसको भी हम वॉशिंग सेंटर पर ले जा रहे हैं, लेके जाएंगे जो इसमें मैप में देखा है। तो अभी हम थोड़ा पहले तो हमारे ट्रैक्टर वगैरह को इनको सब कर लेते हैं, बाकी हम जो ट्रैक्टर है उनको एक एक करके वॉशिंग सेंटर पर भेजने वाले। बाकी हमारा मुर्गा फार्म है पीछे, हैंड फार्म क्या बोल रहे, हिंदी में बोल दो या इंग्लिश में बोल दो वैसे। तो अभी गाइस अभी शाम होने का वक्त हो चुका है, तो शाम होने वाली थोड़ी देर में, तो पहले और देख लेता हूँ क्या क्या इधर। बाकी हमारा एक और ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पर पुराना वाला, और एक इधर ही ट्रैक्टर जो हम इसको भेज रहे थे गेहूं डिलीवरी बेचने के लिए गेहूं, तो लेकिन ये बीच में रुक चुका है, तो इसको भी लगा देते हैं वापस से। कहाँ जाएगा अब ये, इसको हम लगा देते हैं यहीं पर डायरेक्शन, ये वाली हमने डायरेक्शन यहाँ पर चूज़ करी थी, तो इस डायरेक्शन पर हम फीड ग्रो यहाँ पर नहीं यहाँ पर लगा देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। बाकी इसको नहीं लेके चलते, इसको डायरेक्ट हम वापस से हमारे खेत वगैरह के पास लेके आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमने डायरेक्शन यहाँ पे लगाना है, तो पहले डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्शन चूज़ करने वाले हैं। बाकी हमारा कंफर्म हो चुका है, तो ट्रैक्टर अपने ऑटोमेटिकली अपने आप वापस आ जाएगा। बाकी एक ट्रैक्टर यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है सामने यहाँ पर, और इधर साइड में गियर वगैरह है। बाकी आपको अगर ट्रैक्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना कौन सा ट्रैक्टर हो। इसमें गाइस मेसी ट्रैक्टर भी हो रहा है, हमारा जेसीबी वाला ट्रैक्टर यहीं पे खड़ा हुआ है। बाकी हमारी जो मशीन, इसको हटाते हैं सबसे पहले तो यहाँ से, क्योंकि जो हमारा ट्रैक्टर आ चुका है भाई ये बहुत देर में यहाँ से हटेगी, क्योंकि लोड वगैरह से चलती है इस मशीन में, इतना वेट है कि जिस कारण से बहुत धीरे स्लो चलती है। बाकी इसको हटा देते हैं। बाकी हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर रुक चुका है, ये मशीन है एक और, ये भी हमने ले ली थी, तो इसको भी हमें वापस करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं कर रहे हम। ये हमने जो नई हार्वेस्टर परचेस करी है, ये देख सकते हो आप कितनी मस्त लगी। इससे क्या है कि अगर खेत में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसको एक बार रखेंगे खेत में, तो ये दो या तीन राउंड में पूरे खेत को सफाई कर देगी बिल्कुल। तो इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर भी पीछे चल रहा है साइड में वहाँ पर, तो इसको इधर लगा देते हैं पार्किंग में, पार्किंग नहीं यहाँ पर रोड के साइड लगा देते थोड़ा, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर आएगा इधर अगर राउंड लेगा तो। बाकी हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर रुक चुका है और रात हो चुकी है यहाँ पर। बाकी ट्रैक्टर को हटाते हैं और इससे भी साइड में इसके पीछे ही लगा देंगे बिल्कुल हम, तो इसको आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले। तो दोनों ट्रैक्टर को हमने एक साथ लगाने वाले हैं। अभी हमारा जो ट्रैक्टर है वो चल रहा है, तो जैसे ही ये हटेगी अब देखना वो चलने लग गया है और साइड में, तो इसको लगाते हैं पहले ऐसे इधर। बाकी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, जॉन डियर और न्यू हॉलैंड दोनों।
बाकी अभी रात का टाइम है तो पहले इसको लगा देते हैं। अगर हम सो भी गए तो ये दोनों इन्वर्टर अपने आप काम करते रहेंगे। यहाँ पर दोनों को यहाँ पर लगाता हूँ। इसकी देखना आप फोल्डिंग वगैरह इसकी कैसी खुलती है आपको बताता हूँ, आप देख ही लेना। देखो इसको जैसे मैंने इसको ये बोल रहा है यूर फर्स्ट नीड टू फिल द टोल, तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें गेहूँ वगैरह इसमें शायद नहीं है, तो हमें इसमें टोल वगैरह क्या करना पड़ेगा पता नहीं मुझे। इसको डायरेक्ट गाइस इसको डायरेक्ट पहले ऑटोमेटिकली करना पड़ता है, जिसके कारण ये भी खुल नहीं रहा था। तो वैसे खुल चुका है, दोनों डक्टर हमारे साइड में बिल्कुल चल चुके हैं। तो भाई ये भी स्टार्ट हो चुका है हमारा ट्रैक्टर बोने के लिए। तो भाई ये इसने भी बोना स्टार्ट कर दिया, तो घड़ा उठ बोलते हैं। और अभी शाम हो चुकी है हमारी, तो हमारा ट्रैक्टर भी यहाँ पर चल ही रहा है, तो घड़ा उठ चलते हैं उधर। तो गाइज ये क्या हो चुका, हाउ डू यू लाइक द गेम। गाइज गेम जो बहुत ही ओसम है इस गेम में, इसके ग्राफिक वगैरह बहुत ही अच्छे। बाकी ये क्या खुल चुका है इसमें, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। तो गाइज इस गेम के ग्राफिक्स से वो बहुत ही मस्त ग्राफिक है। अगर इस गेम को आप खेलोगे तो आप भी बोलोगे वाओ क्या गेम है, बहुत ही मस्त ग्राफिक्स है गाइज इस गेम के। बाकी बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि रात हो चुकी है, तो हम फटाफट से चलते हैं घर के पास। फटाफट सोते हैं हम और सुबह मॉर्निंग में देखते हैं कि हमारा ट्रैक्टर कितना कुछ क्या कितना किया। अभी स्लीप कर चुका हूँ मैं, तो रात का टाइम है गाइस, हम सो चुके हैं अभी यहाँ पर। तो गाइस अभी सुबह भी हो चुकी है, तो गाइस सुबह हो चुकी है, फटाफट से देखते हैं। अभी गाइस ट्रैक्टर अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो अभी थोड़ा बहुत ही किया क्योंकि हम सो चुके हैं। बाकी हमारे यहाँ पर मशीन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम जो ये जेसीबी ट्रैक्टर इसको वॉशिंग सेंटर पर भेजते हैं। तो इसके अंदर मैं बैठ चुका हूँ, मैप के अंदर देखते हैं वॉशिंग सेंटर कहाँ पे। यहाँ भी बताया था, यहाँ पे शायद मुझे यहाँ पे शायद ये यहाँ पर है आलवर के कार वॉश है। यहाँ पर कार वगैरह कार के लिए गाइस ये, तो कार के लिए। बाकी हमारा ट्रैक्टर वगैरह का लेके वॉश नहीं है, देखते हैं अगर ये वॉश हो सकता है तो इसको डायरेक्शन के लिए भेजने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा हमें गाइस। पहले डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा कौन सी सेट डायरेक्शन, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कंफर्म में पोजीशन कर दी है मैंने, अब देखते हैं हमारा ट्रैक्टर जाता है, देखते हैं वॉश होता है या नहीं। तो गाइस हमारा ट्रैक्टर भी अब जाने वाला है, तो इसको गाइस ये डायरेक्शन सेट नहीं हुई यहाँ पर, तो इधर लगाते हैं हम इसको सेट डायरेक्शन में। यहाँ पे लगा दिया गाइस, किधर है यार ये, यहाँ पे रह गया। इसको कन्फर्म करते हैं, ओके सक्सेसफुली हो चुका है। तो गाइस ये तो कुछ ऑल वर्क हैज स्टॉपेड वर्क अनएक्सेप्टेबली टारगेट इज अनरिचेबल। गाइस पता नहीं इसमें क्या बता रहा है। बाकी ट्रैक्टर से बाहर निकलते हैं, अभी देखते हैं दूसरा वाला ट्रैक्टर अगर वो वॉश हो सकता है तो। बाकी हमें एक कार भी खरीदना पड़ेगा जिससे हम कहीं आ जा सकते हैं। अगर डील गाइस अगर हमारे पास कार वगैरह नहीं होगी तो हम इस कार को जो सामने देख सकते हैं इसमें रख भी सकते हैं कार वगैरह। बाकी हमारे न्यू आयलैंड में ये छोटा मॉडल है गाइस न्यू आयलैंड का, तो इसको लेके चलते हैं। कहाँ लेके जाना है इसको अब हम, तो वैसे हमारा ट्रैक्टर भी चल ही चुका है आगे। बाकी हमारे दोनों ट्रैक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं काम में। बाकी डायरेक्शन लगाते हैं सेट डायरेक्शन, यहाँ पर कहाँ पे लगाने वाले हैं हम यहाँ पर, तो इसको देखते हैं अगर ये जाता है या नहीं। गाइस ये भी नहीं, इसमें गाइस इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन रख चुका है, सिर्फ यहाँ पर हम कार वगैरह वॉश करवा सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह वॉश नहीं होते हैं। बाकी हमारे दोनों ट्रैक्टर काम पे लग चुके हैं। बाकी साइड में अगर खेत वगैरह हो तो देखेंगे। तो गाइस हमारे पास अभी थोड़े पैसे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे लिए एक कार परचेस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। बाकी अब अभी थोड़े दिनों में हम काव वगैरह भी ले आएंगे इसमें, और सिप भी ले आएंगे जिससे हम दूध वगैरह को इधर से डिलीवर कर सकते हैं, जिससे हम थोड़े पैसे कमा सकते हैं और भी। गाइस तो देखते हैं कि कौन सी जीप इसमें कार से, बाकी यहाँ पर एक ही कार से, ये पता नहीं कौन से मॉडल की है, डिजार्ड की है। गाइस इसको परचेस करते हैं, फिर हमारे पास देखते हैं कितने पैसे बचते हैं। गाइस हमारे पास पैसे बचे हुए अभी थोड़े, तो हमने हमारी जो कार है उसको परचेस कर ली। देखते हैं वो कहाँ पे शोरूम पे आई है या नहीं, क्योंकि अभी उसको डिलीवर होने में टाइम लगता है गाइस कार वगैरह को।
तो गाइस यहाँ पे ये मशीन वगैरह यहाँ पे हार्वेस्टर खड़ी है, इधर साइड में हमारा खेत वगैरह। तो गाइस जो इस खेत में है इसमें भी हम हमारी हार्वेस्टर को लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा खेत है जो उग चुका है, तो इसमें हम टाइम से लगा देते हैं कि जल्दी हमारा खेत है जो वो भी फिनिश हो जाएगा। गाइस थोड़ा सा लेट कर रहा है, बाकी हमारा आधा खेत है जो पूरा हो चुका है, तो इसमें लगा ही देते हैं। तो गाइस अब देखना आप एक ही बार में फिनिश कर देगा ये। तो गाइस हमारी हार्वेस्टर है जो यहाँ पर लग चुकी है, आप देख सकते हो सामने, तो ये हमारी हार्वेस्टर जो यहाँ पर लग चुकी है काटने के लिए गेहूँ। बाकी गेहूँ कट रहे हैं गाइस इसमें, क्योंकि अभी आधे हुआ आधे खेत का आए हमारे और आधे खेत का आए नहीं है। बाकी हमारे दोनों ट्रैक्टर यहाँ पर लगे हुए, एक बोने के लिए लगा है और एक खेत को डाके करने में लगा। बाकी हमारा जीप है, इसको अगर हम कार वॉश पर भेजते हैं तो गाइस ये जाती है या नहीं देखते हैं। तो हमने इसको से डायरेक्शन कर दिया यहाँ पर, अब देखते हैं अगर ये जाती है या नहीं। तो कन्फर्म पोजिशन कर दिया हमने, तो गाइस ये जा नहीं रही गाइस, पता नहीं इसमें क्या हुआ। बाकी इसमें हम कुछ लेके चलते हैं यहाँ से, ये वाली इसको हम फान लेते हैं, ये नहीं ट्राली है गाइस। ये आपको साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है, इससे हम जो हमारी ट्रैक्टर वगैरह कार में कोई दिक्कत आती है यहाँ पे लाते हैं और उसको क्या सही कर देते हैं ये शोरूम वाले, तो इसको फानते हैं। तो गाइस ये जो लग चुकी है यहाँ पर गाइस, इसको खींचने में बहुत ही दिक्कत लग रही है इसको, क्योंकि पीछे के टायर जो टूट चुके आप देख ही सकते हो। तो इसको डायरेक्शन लगा देता हूँ मैं। तो गाइस इसको कहाँ भेजने वाले हम, 3 नंबर के खेत पर भेजते हैं इसको। हमारी जो वो है डायरेक्शन हमने इसको कर दिया है सक्सेसफुली हो चुकी है, अब देखते हैं किधर जाता है। तो गाइस दोनों चल दिए यहाँ पर, ये जो गाइस हमने जो कार परचेस करी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी हमारे जो और चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई है अभी गाइस, इसमें बहुत चीज़ें हैं और हमें परचेस करना है। बाकी इसमें हम खेत वगैरह में दवा वगैरह डालते हैं उसके लिए बताया, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर आप इस गेम को खेलोगे तो आप भी बोलोगे वाओ क्या गेम है, इस गेम के ग्राफिक्स हैं जो बहुत ही तगड़े हैं ग्राफिक्स इस गेम के। बाकी हमारी कार है जो बहुत लोड ले रही है, क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा काला खंडा हुआ है कि जिसके कारण वो लोड झेल नहीं कर रही है हमारी कार। ये कार गाइस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इससे हम वीडियो वगैरह डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिल्क का ऑप्शन भी, इसमें डेयरी वगैरह भी होती है इस गेम में। बाकी गाइस आज के लिए इतना, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।